अररिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सीएसपी संचालक से छीने गए 3 लाख रुपये को बरामद कर लिया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अपराधी भागने में सफल रहा। अररिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 मई को जोकीहाट थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 2 अपराधियों ने रुपये की छीनतई कर ली थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दबिश बनाकर रुपये को जब्त कर लिया है। दिनांक 27/5/2024 को समय तकरीबन 12:15 पे जोकीहाट थाना अंतर्गत हड़वा चौक से सीएसपी संचालक मोहम्मद हसनैन कैशर से 2 अज्ञात मोटरसाइकिल द्वारा 3 लाख रुपए की छीनतई हो गई थी और इनके द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। वादी जब अपने घर लौटे FIR दर्ज कराने के बाद उन्होंने सूचित किया कि 1 लाख जो है उनके गाड़ी के डिग्गी में ही रह गया था, तो हम लोग बाकी जो बकाया 2 लाख था उसके पीछे अनुसंधान प्रारंभ किए और अनुसंधान में जो SHO जोकीहाट के अंतर्गत और BIU टीम के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। CCTV कैमरास को खंगाला गया, जो बैंक के कैमराज थे उनको उनके द्वारा एक आदमी को चिन्हित किया गया था, उसकी सस्पेक्टेड एक्टिविटी लगी वहाँ पर और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो को चिन्हित करके पहचान किया गया। उसका नाम राम कुमार, पिता भुट्टन यादव, साकिन जुराब गांव, थाना कोड़ा, जिला कटिहार पाया गया। उसके उपलक्ष्य में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम ने उनके घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 2 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। जो अभियुक्त था वो भागने में सफल रहा और जो दूसरा अभियुक्त था उसकी भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। तो कुल मिला के 24 घंटे में इस पूरी छिनतई मामले का उद्भेदन किया गया और जो 2 लाख छिनतई के पैसे थे वो भी बरामद कर लिए गए। तो एक अच्छा अनुसंधान हुआ है इसमें और CCTV टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर चिन्हित किया गया है और इसमें हम लोग आगे कन्विक्शन के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।